हाँ बोलो यार, तू फोन क्यों काट रहा है बार बार? नहीं, वो तो मैं आपकी टाइमिंग चेक कर रहा था कि आप कॉल कट करने के कितने टाइम बाद बैक कॉल करते हो। तो कितने टाइम का गैप आया? पापा पढ़ रहा था मैं यार। अरे यूट्यूब पे ऑनलाइन लेसन देख रहा था। अच्छा, मैं तेरा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। एक बात बता, ये ट्विटर पर तू क्रिप्टो फकीर जी को फॉलो करता है? अरे फकीर नहीं। क्या 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 बोला तूने? अब मैंने कहा कि नहीं। और ये कैसे कैसे लोगों को फॉलो कर रहे हो आप? अरे नहीं बेटा, बंदा बड़ा नॉलेजेबल है और दानी भी। अरे कौन सा रानी हार दान में दे दिया उसने? अरे रानी हार तो एक बार शर्मा जी की वाइफ ने मांगा था मुझसे, उस हार के चक्कर में रानी हार गया मैं। अरे मैं बोल रहा था कि वो इथेरियम के बारे में बता रहे थे। वो बोल रहे थे कि आप उसे एक इथेरियम सेंड कर दो, उसके बदले में वो आपको 6 एथेरियम वापस करेंगे। पापा ये सब स्कैम है, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत है ऐसे स्कैमर्स इंटरनेट पर। अरे नहीं बेटा, नीचे सारी अंबानी फैमिली ने कमेंट किया है, आई हैव सेंट 2 ईथर एंड रिसीव 12 बैक इन 10 मिनट्स। पापा वो भी फेक आईडी है। फेक आईडी तो मैंने एक बार बनाई थी शर्मा जी को तंग करने के लिए, फिर मुझे भी अच्छा लगने लगा फेक आईडी पे चैट करना। पता है कितनी बार रिचार्ज करवाया मैंने उनसे। अच्छा तो इसीलिए वो कॉल करके पूछते थे कि ये एंजल प्रिया का नंबर है क्या? वो अंबानी जी की आईडी के बारे में बता रहा था कुछ। पापा आपने हेरा फेरी देखी है, बाबूराव वाली? हाँ देखी है, दोनों पार्ट देखे। बस फिर ये भी वही है, और अंबानी स्पीड थोड़ी है इन सब के लिए। ओ अच्छा, मुझे तो पता था, मैं तो तेरी जनरल नॉलेज चेक कर रहा था। कर ली चेक? नहीं यार, एक और सवाल है। एक बात बता, ये इंग्लिश में TO2 होता है, DO2 होता है, तो ये GO GOO क्यों नहीं होता? पापा ये कैसी बदबूदार बातें कर रहे हो आप। वैसे ये बदबूदार से याद आया, ये इत्र कौन सा परफ्यूम है? क्या ये भी इत्र की तरह दुबई में ही बनती है? अरे नहीं पापा, एथेरियम कोई परफ्यूम नहीं है, ये भी बिटकॉइन की तरह ही एक क्रिप्टो एसेट है। तो इनमें फर्क क्या है? पापा जैसे बिटकॉइन को सिर्फ एक करेंसी की तरह यूज़ कर सकते हैं, एथेरियम के ऊपर हम कोड करके बहुत सारी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस बना सकते हैं। एक तरह से इसे क्रिप्टो का इंटरनेट मानो। अभी भी थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है। जैसे मानो आपको मुझे मेरे नेक्स्ट बर्थडे पर बाय गिफ्ट करनी है। गिफ्ट तो मुझे दिया था शर्मा जी की वाइफ ने, अगर वो तेरी मम्मी के हाथ ना लगता ना तो आज ये कमर दर्द की प्रॉब्लम ना होती। पापा मेरी पूरी बात सुनोगे? हाँ बोल, मैंने कब रोका तुझे? जैसे मानो आपने मुझे मेरे नेक्स्ट बर्थडे पर बाय गिफ्ट करनी है, तो आप एथेरियम में एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए पहले ही लिख दोगे कि मुझे मेरे बर्थडे पर बाइक के लिए पैसे मिल जाए, एंड फिर उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। अच्छा ये तो बहुत सही है। और तो और आप इससे अपने प्रोजेक्ट या एप्लीकेशन में यूज़ होने वाले टोकन भी बना सकते हो। क्रिप्टो फकीर जी भी यही बता रहे थे, उन्होंने बताया कि एक इथेरियम यूज़ करके एक अपना बिटकॉइन बना सकते हैं। अरे पापा वो कॉइन नहीं टोकन होता है, ऐसे टोकन का नाम कॉइन रखने से वो बिटकॉइन थोड़ा बन जाएगा। मतलब वो टोकन मैं 20 लाख रुपए में नहीं बेच सकता? अरे नहीं पापा। क्या यार, मैंने सोचा था एक बिटकॉइन बना के तेरे मम्मी के लिए एक नया हार ले लूँगा। एक रानी तो हार चुका हूँ, अब इसे ही कुछ कर लूँ। वैसे ये बता, ये इथेरियम भी सतोशी जी ने ही बनाया है? नहीं पापा, ये विटालिक बुटेन नाम के बंदे ने बनाया है। मुझे लगता है ये भी IIT से हैं। यार हर आदमी IIT से थोड़ा होता है। अरे दर्शन तो करवाए ऐसे महापुरुष के, गूगल कर लो। अच्छा चल देखता हूँ। अरे यार ये तो बहुत दुबला है, इसे अब मम्मी के हाथ की पिन्नी भेज दे। अच्छा पापा भेज दूंगा। और तू भी खाया कर, कितना दुबला हो गया पहले से। ठीक है पापा।
बेटा अब तू बड़ा हो गया है और इन बातों को बड़ी अच्छी तरह से समझता है। तो अब हम बाप बेटे से ऊपर एक अच्छे दोस्त हैं और दोस्तों में सभी बातें खुल के हो जाती हैं। पापा पॉइंट पे आओ ना, कहना क्या चाहते हो? आदमी दुबला जितना मर्जी हो, बंदा माहौल के साथ बह की जाता है। मैं भी तो एक बार शर्मा जी की वाइफ को लेकर। पापा क्या घटिया बातें कर रहे हो? मानव ये बातें तुझसे एक बाप नहीं दोस्त बोल रहा है, तभी कहता हूँ टाइम से शादी कर ले, पता नहीं फिर ये जवानी रहे ना रहे। अरे पापा क्या बोल रहे हो यार, मुझे नहीं बात करनी इस सब पर, अब फोन रख रहा हूँ मैं और मुझे अपना लेसन देखने दो। और आप भी जाओ और इस वीडियो को लाइक करो, और आप भी इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और आगे आने वाली और भी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पिछली वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को विजिट कीजिए, और हाँ बेल आइकन दबाना मत भूलना।